धार जिले के राजगढ़ नगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आपसी विवाद में पति ने चाकू से पत्नी की हत्या कर फिर खुद को चाकू मारकर गंभीर घायल कर लिया है। राजगढ़ पुलिस के अनुसार कल देर रात्रि में राजगढ़ के लाल दरवाजा क्षेत्र में रहने वाले दीपक पिता मनोहर लाल कछावा ने आपसी झगड़े में अपनी पत्नी बरखा को जान से मारने की नीयत से धारदार चाकू मार दिया और खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया। दोनों को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 24 वर्षीय बरखा को मृत घोषित कर दिया। वहीं दीपक को गंभीर हालत में सरदारपुर से धार और धार से इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी दीपक पिता मनोहर लाल कछावा पर धारा 302 भादवी में प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस को पूरे मामले में आपसी झगड़े और हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पति पत्नी का आपस में कुछ विवाद हुआ और दरवाजा बंद था, उस समय पति ने अपनी पत्नी को धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी। उसका जो बालक था, बड़ा बालक, बाहर खेल रहा था, पानी पीने के लिए जब घर का दरवाजा उसने ठोका और फिर झाँक कर देखा तो उसे दिखा कि उसके पिताजी खुद को वार कर रहे हैं। तो उसने फिर चिल्ला चोट मची, उसकी दादी वगैरह आए और उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर मृतिका बरखा बेसुध पड़ी हुई थी और इससे जो व्यक्ति है दीपक, ये भी चोटिल था। इन्हें ले जाकर हॉस्पिटल सरदारपुर में, मृतिका को सरदारपुर में ले गए और इसके गंभीर होने की वजह से इसे धार रिफर कर दिया और हॉस्पिटल जब पहुंचे उस समय तक बरखा की मृत्यु हो चुकी है। अभी उसकी क्या स्थिति, से धार जो रेफर करा उसे धार से जो रिफर कर दिया।